हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। दालों की महंगाई दर से आम जनता जूझ रही है और अरहर दाल इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। अरहर दाल जिसे तूर दाल भी कहते हैं, इसकी खपत देश में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में अच्छी खासी पसंद की जाती है। हालांकि परेशान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस दाल की कीमत में 40% से ज्यादा उछाल देखा जा चुका है। अब केंद्र सरकार इस बारे में जनता को राहत दिलाने के लिए ऐसा कदम उठाएगी जिससे आने वाले वक्त में अरहर दाल के दाम नीचे आएंगे और कीमतों पर काबू पाया जा सकेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक इस महंगी दाल से लोगों को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो अपनी अरहर दाल की खरीद को बढ़ाएगी। खबर के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने इस बात को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही तुअर दाल की सरकारी खरीद को बढ़ाकर 8 से 10 लाख टन करने जा रही है, जबकि पहले सरकारी खरीद का टारगेट इतना नहीं था। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए ये दाल खरीदारी मार्केट रेट पर ही की जाएगी, जिससे दाल किसानों को ज़्यादा दाल पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकेगा। ये खरीदारी सीधा किसानों से होगी और NCCF के जरिए की जाएगी। जैसे ही खरीफ की फसल बाजार में आने लगेगी, वैसे ही एक्स्ट्रा दाल खरीदारी चालू हो जाएगी। दरअसल इस साल अरहर दाल की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई है। इस दाल का उत्पादन कम रहने का असर इसकी सप्लाई में कटौती का कारण बना, जिसके चलते अरहर दाल के दाम आसमान पहुँच गए क्योंकि मांग में तो कोई कमी नहीं आई। लेकिन तूर दाल पिछले साल 110 से 115 रुपए प्रति किलो बिकी, जो अब इस साल 170 से 180 रुपए किलो के रेट पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे दलहन उत्पादों की महंगाई में इजाफा भी एक बड़ा कारण है। अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अनुमान लगाया था कि इस साल अरहर दाल का उत्पादन 34.21 LMT रहेगा, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नज़र दालों की बढ़ती कीमतों पर अभी गई है, इससे पहले भी सरकार दालों के दाम कंट्रोल रखने के लिए कदम उठा चुकी है। केंद्र सरकार ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र अरहर और उड़द दाल के स्टॉक को लिमिट की अवधि को 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। ये फैसला जमाखोरी को रोकने और रिटेल कस्टमर्स को सही कीमत पर दाल मुहैया कराने के मकसद से लिया गया था। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।